Now we will study about the rank of matrix, the last point of the rank of matrix, normal form of matrix. अब हम देखेंगे कि कैसे normal form of matrix क्या होती है और by using this how we find the rank of the matrix, any matrix. Okay? तो अब हम देखते हैं normal form of matrix क्या होती है. Every non-zero matrix A of rank R. किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का तो रैंक कुछ ना कुछ तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन. कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हमने जाना और रैंक के बारे में हम जानते ही है. कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स जो होती है उसका रैंक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है. ठीक है. कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू बी फॉर्म. अगर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसका रैंक आर है, हमें चेक करना है कोई भी मैट्रिक्स है और उसका रैंक हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस हम उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं मीन्स की दिस इज आई आर. IR is the identity matrix of rank R. Means कि हमने जब properties of rank जब हमने देखा तो वहां पर हमने देखा कि कोई भी identity matrix है हमारी means कि unit matrix उसका rank कितना होता है. जितने भाई जितने की हमारी unit matrix होती है उसका rank उतना ही होता है. तो अगर हमने किसी भी matrix को इस form में reduce कर दिया IR, this is then the rank of that matrix is R. Means कि जितने भाई जितने की हमारी identity matrix बनी है उसे हम कहेंगे rank of the matrix. या इस form में हमने convert कर दिया या इस form में. और एक form होता है हमारा अगर हमने पूरे matrix को ही identity matrix में convert कर दिया then the rank of that matrix is the rank of the identity matrix. इस forms को हम कहते हैं normal form. अब बात आती है कि rank of matrix A is R if and only if it can be reduced to normal form. किसी भी matrix के rank को अगर हमें find करना है तो जब तक हम उसे normal form में अगर reduce नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि identity matrix का जितना rank है वो ही उस matrix का rank हो सकता है. means कि हम example देखेंगे. सबसे पहले यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं. Rank of matrix A is R if and only if it can be reduced to normal form. अगर हम normal form में उसे reduce नहीं करते हैं elementary transformations के by using elementary transformation अगर हम उसे reduce नहीं कर पाते हैं normal form में तो हम उसका rank नहीं कह सकते. अगर आप suppose कर लो अगर identity matrix आपकी आ गई elementary transformation के बाद और आपने उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया. ये जो रो है हमारी यहां पर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हमारे आ जाते हैं या इस कॉलम में कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स आ जाते हैं बट आर रैंक की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई बन गई तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका रैंक आर होगा. हम तभी कहेंगे जब उसे हम आर के फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म्स में उसे रिड्यूस कर देंगे तभी उसका रैंक आर हम कह सकते हैं. ओके okay? एग्जाम्पल हमारे पास है मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास और इस मैट्रिक्स का बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ठीक है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि इसका रैंक हम कैसे निकालते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग. ओके तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 4x4 की हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हम इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करते हैं. ऑपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें देखी हैं कि हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं 3 फॉर रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स. फर्स्ट क्या था कि दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं रो वन और टू को हम इंटरचेंज करते हैं. रो वन और टू को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है जिसमें हमने रो को इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट रो और सेकेंड रो को. आफ्टर दैट अब हमारा काम क्या है हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है. नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर एंड वन कॉलम वन रो या वन कॉलम एंड वन रो विल बी जीरो. एक रो या एक कॉलम हमारी जीरो हो सकती है या एक रो
जीरो हो या दो रो एक कॉलम भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक कॉलम या एक रो के ही टोटल एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए नॉर्मल फॉर्म के लिए। ओके, तब हम देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन लगाते हैं। पहले हमने क्या किया, वन और टू रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, फिर हमें एक सिमिलर मैट्रिक्स ये मिली। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज देखा था कि कितना भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर ले किसी मैट्रिक्स पर, उसके ऑर्डर और रैंक में कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री माइनस थ्री आर वन एंड आर फोर माइनस सिक्स आर वन। थ्री ऑपरेशन को हमने, तीन ऑपरेशन को एक साथ लगाया। इन ऑपरेशन को करने के बाद हमें एक सिमिलर मैट्रिक्स ये मिली। हमारा मेन क्या है कि कॉलम रो के एलिमेंट्स को, मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो करना है और थ्री टू फोर एलिमेंट्स को हमें यूनिट करना है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब कि अगर फोर बाई फोर मैट्रिक्स है तो हमारी मैक्सिमम फोर एलिमेंट्स की वैल्यू वन होनी चाहिए, बाकी हमारे जितने एलिमेंट्स है फोर फोर सिक्सटीन एलिमेंट्स में फोर एलिमेंट्स हमारे यूनिट होने चाहिए और ट्वेल्व एलिमेंट्स की वैल्यू हमारी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। ये मैक्सिमम है, मतलब कि मैक्सिमम फोर एलिमेंट्स हमारे यूनिट होने चाहिए, थ्री भी हो सकते हैं टू भी हो सकते हैं, वो ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका नॉर्मल फॉर्म कैसा रिड्यूस होगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आई 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 3 9 12 7 10 17। अब इसमें हमारा फर्स्ट रो के तीन एलिमेंट जीरो हो गए और फर्स्ट कॉलम के भी तीन एलिमेंट जीरो हो गए, और ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमने यूनिट बना लिया। अब हम लगाते हैं, हमने यहां पर ये ऑपरेशन लगाया, यहां पर ऑपरेशन हमने लगाया C2 plus C1, C3 plus 2C1 and C4 plus 4C1। ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली, हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये मैट्रिक्स मिली, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स हमें मिली। अब हम करते हैं कि अब हम ऑपरेशन लगाते हैं आर फोर माइनस आर टू माइनस आर थ्री। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि आर फोर माइनस आर टू प्लस आर थ्री। यहां पर आप देखो 5 4 9 ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं आर फोर में से आर टू प्लस आर थ्री कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या हमारा ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, 9 3 12 ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, 10 प्लस 7 17 17 माइनस 17 ये एलिमेंट भी हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हमने सेम वही ऑपरेशन लगाया, 1 0 0 5 3 7 0 4 9 10 टोटल एलिमेंट्स विल बी जीरो, एक रो हमारी जीरो हो गई टोटल। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं नेक्स्ट। अब हमारा काम क्या, अब हमारे पास एलिमेंट्स बचे नॉन जीरो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इसमें से अब हमें कितने टू एलिमेंट्स को यूनिट बनाना है, बाकी एलिमेंट्स को जीरो करना है। नेक्स्ट स्टेप हम ऑपरेशन लगाते हैं आर टू माइनस आर थ्री। आर टू माइनस आर थ्री means कि R2 is this one 0 5 3 7 and R3 is 0 4 9 10। अगर हम R2 में से R3 को माइनस करते हैं 5 4 5 माइनस 4 1 3 माइनस 9 माइनस 6 7 माइनस 10 माइनस 3, और सिमिलर मैट्रिक्स जो हमें मिला वो कितना मिला, 1 0 0 0 1 माइनस 6 माइनस 3 0 4 9 10 0 0 0 0। ओके, अब हम क्या लगाएंगे यहां पर कि हमारे मैक्सिमम, अब यहां पर हमें टू एलिमेंट्स डायगोनली यूनिट मिल चुके हैं, अब हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, इस एलिमेंट को यूनिट कर सकते हैं और बाकी को जीरो भी कर सकते हैं, या टोटल जो इनके बाद जितने एलिमेंट्स बचे 6 3 10 4 ये जितने एलिमेंट्स बचे इनको भी हम जीरो कर सकते हैं, तो हमें रैंक तो पता चल जाएगी मैट्रिक्स की। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं आर थ्री माइनस फोर आर टू। आर थ्री माइनस फोर आर टू, 4 माइनस 4 0 9 माइनस 24 माइनस 24 इज 33 प्लस 33 10 माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 22, यहां पर 22 हो गया, ये टोटल एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं। ओके, अब हम इसमें एक और ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम इसमें C3 प्लस 6 C2 इस एलिमेंट को अब हमें जीरो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर जीरो करना है तो इन दो, इसमें अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा, तो C3 प्लस 6 C2 एंड 6 4 C4 C4 प्लस 3 C2,
यहां पर लगाया हमने 1000 0100 दो ऑपरेशंस लगाने के बाद ये एलिमेंट जीरो और ये एलिमेंट जीरो 33 22। अब हमारे पास बचे 33 एंड 22 एलिमेंट्स। ये दो एलिमेंट्स बचे हैं जिनको हमें जीरो करना है या इसको यूनिट करना है। इसको यूनिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। किसी भी नॉन जीरो नंबर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। तो क्या मैं 1/33 से अगर इस कॉलम में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी? तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा, 1/33 C3। 1/33 C3 करने के बाद ये एलिमेंट कितना हो गया, यूनिट हो गया। ये एलिमेंट यूनिट हो गया। अभी भी हमारे पास यहां पर 22 बच रहा है, नॉर्मल फॉर्म में अभी ये रिड्यूस नहीं हुआ है। तब हम क्या कर सकते हैं कि इस 22 को खत्म करने के लिए C4 -22 C3 कर सकते हैं। C4 -22 C3 ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, एक नॉर्मल फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया। और नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें मिली है वो कितने बाई कितने की है, 3/3 की। दैट्स व्हाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I 3 0 0 0, देन रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3।